आसमान से बारिश नहीं आफत बरस रही है। मकान ढह रहे हैं। पुल बह रहे हैं। पहाड़ बरस रहे हैं। अरे भगदड़ मत करो। रेलवे ब्रिज हवा में लटक रहे हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं। और गांव टापू। ये हाल इस वक्त आधे हिंदुस्तान का है, क्योंकि बर्बादी की विनाश लीला ने किसी को नहीं बख्शा है। ये मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम है, जहां सुबह 4 बजे से तेज हवा और बिजली चमक रही थी, जिसके बाद ऐसी बारिश आई कि पूरा शहर ही डूब गया। क्या सड़क, क्या गलियां, क्या मकान और क्या दुकान, ये तस्वीरें नर्मदापुरम के सबसे व्यस्ततम बाजार की हैं, जहां दुकानों पर ग्राहकों का हुजूम लगता था, लेकिन बारिश ने ऐसा शटडाउन किया कि एक भी दुकान के ताले नहीं खुले। जो एक दो दुकान खुली भी, उनमें इतना पानी था कि समझ नहीं आ रहा था कि दुकान खोलें या पानी निकालें। नर्मदापुरम में आई इस बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है, जिसने मानसून से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, जो कुछ देर की बारिश में हवा हो गए। धीरे जाना है बताइए। ओके नहीं यार, ऐसे कैसे। नर्मदापुरम में सिर्फ बादल नहीं, पहाड़ भी बरस रहे हैं। ये तस्वीर नर्मदापुरम के पचमढ़ी इलाके की है, जहां लैंडस्लाइड के बाद पूरा रास्ता जाम हो गया। दरअसल पचमढ़ी पर्यटकों का सबसे पसंदीदा अड्डा है। लोग यहां दूर दराज इलाकों से आते हैं, लेकिन मानसून में ये इलाका खतरनाक हो जाता है। कुछ ऐसा ही रविवार को हुआ, जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। गाड़ी सिर्फ नागफनी तक आ रही है। सभी गाइड भाइयों को निवेदन है कि अपने पर्यटक को ये जानकारी दे दें कि धूपगढ़ का रास्ता बंद है। गनीमत ये रही कि जब पहाड़ गिरा तब वहाँ कोई नहीं था। ये हालत तो मध्य प्रदेश के सीहोर में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले सब उफान पर हैं, लेकिन रविवार को नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी नंदगांव पुल के ऊपर से आकर बहने लगा। जिसमें एक बाइक सवार बुरी तरह फंस गया। दरअसल पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, कोई भी उसे पार नहीं कर रहा था। तभी इस बाइक सवार ने इसे पार करने की कोशिश की और उसका बैलेंस बिगड़ गया और ये पानी की तेज धार में फंस गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाइक सवार पानी की तेज बहाव में घिरा हुआ है और बाइक धीरे धीरे तेज बहाव में जा रही है, लेकिन तभी वहां खड़े कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पहले लगता है कि सारी मेहनत बेकार जाएगी, लेकिन लोग हिम्मत नहीं हारते और फिर हाथों की चैन बनाकर बाइक सवार को पानी से निकालने के मिशन में जुट जाते हैं। आखिरकार मेहनत रंग लाती है और बाइक सवार की जान बच जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग क्यों अपनी जान के दुश्मन बन जाते हैं?
क्योंकि मानसून में कहीं पुल बह रहे हैं तो कहीं सड़क। इसके बाद भी लोग खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं। दरअसल इस वक्त पूरा सीहोर जिला पानी से त्राहिमाम कर रहा है। पानी को जहां रास्ता मिल रहा है वहां से बह रहा है। नदी का न कोई और है और न ही कोई छोर। पानी कई रिहायशी बस्तियों के बीच से होकर बह रहा है। सड़कों का कनेक्शन तक टूट गया है। बुधनी सद्दलपुर हाईवे के पास भागनेर पुल से 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। जो लोग घरों से निकले थे वो सड़कों पर कैद हो गए हैं, क्योंकि जहां देखो वहां पानी है। सुरक्षित स्थान की तलाश में भटकते हुए ये लोग मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के हैं, जिन्हें बाढ़ के पानी से गुजर कर जाना पड़ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं उनके हाथों में जरूरत का सामान और वो जानवर हैं जो उनके जीवन यापन का जरिया हैं। लेकिन बारिश ने ऐसा संकट पैदा किया है कि समय का चक्र ही बदल गया है। छिंदवाड़ा में कई जगह इतना पानी भरा है कि घर से लेकर दुकान सब पानी से भर गए हैं। हम ग्राम लेडोरी में खुरपड़ा नदी पर कई दिनों से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, पर शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांग को आज तक पूरा नहीं किया। ग्रामीण अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसी रास्ते से आते हैं जिनमें से कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है। साथ ही स्कूली छात्र भी यही इसी नदी से को पार करके स्कूल आते हैं और अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। दरअसल इस वक्त पूरा मध्य प्रदेश ही सैलाब रूपी तांडव से जूझ रहा है। उधर मौसम विभाग के बारिश के अलर्ट ने धड़कन और बढ़ा दी है, क्योंकि अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा।